नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। अपराध जगत की बड़ी खबरें अब सीधे हम आपको दिखाएंगे अब क्राइम बुलेटिन में। क्राइम बुलेटिन में आखिर देश प्रदेश में किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लखनऊ पुलिस का जो अभियान चल रहा है उस पर अपराध और अपराधियों पर किस तरह से लगाम लगाई जा रही है, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अपराध जगत की बड़ी खबरें और सबसे बड़ी क्राइम बुलेटिन। चौबीस को लगभग 3:30 बजे थाना क्षेत्र पीजीआई में किसान पद से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप ट्रक पे 4 व्यक्ति, जो 3 वाहन, एक सीबीआर मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक मंत्रा स्कूटी से आए हैं और उन्होंने लगभग 1,85,000 रुपए लूट लिया है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई की पुलिस और सभी उच्च अधिकारी मौके पर गए थे। जो मुनीम था वहां का कृष्णकांत, उससे तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना का सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम भी थी। इन 3 टीमों द्वारा काफी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू डाटा कलेक्ट किया गया और इसी क्रम में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम है अंश अवस्थी, पुत्र नरेंद्र कुमार, मोहम्मद शारिफ, पुत्र लाल मोहम्मद, मौसम पाल, पुत्र श्रवण पाल, युवराज पाल, पुत्र स्वर्गीय अनूप कुमार, आशुतोष अवस्थी, पुत्र रंजन अवस्थी और सलमान उर्फ कल्लू। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि सलमान उर्फ कल्लू, जो खुद भी एक पिकअप ट्रक चालक का काम करता है, उसके ये प्रकरण संज्ञान में था कि जब मुनीम के साथ ड्राइवर और कंडक्टर पिकअप लेके जा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं से पेमेंट लेके आ रहे होंगे। ये सूचना इसने बाकी 4 लोग, अंश, शारिक, मौसम पाल और युवराज को दी। इन सबने प्लान करके किसान पद के पास इनकी वहां पे रेकी करी और जब इन्होंने देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो फाइनेंस का पैसा, किश्त का पैसा लेने के नाम पे इनको रोका और इनको, इनके साथ भैसा भैसी करके पिस्टल के दम पे इनके 1,85,000 रुपए लूट लिए थे। लूट की घटना कारित करने के बाद ये आशुतोष अवस्थी के घर पे चले गए थे और वहीं पे छुपे हुए थे। आशुतोष अवस्थी के द्वारा ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी दी गई थी घटना में, जो प्रयुक्त करी गई है। इनके पास से हमें लगभग 1,50,000 रुपए, 1 अदद मोटरसाइकिल सीबीआर, 1 अदद मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स, 1 अदद स्कूटी मंत्रा, 1 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन प्रयुक्त।